अकरा की फतह के बाद सलीबियों में आपस में भी फूट पड़ जाती है फ्रांस का बादशाह नाराज होकर वापस चला जाता है और अब इस पूरी सलीबी मुहिम की जिम्मेदारी रिचर्ड द लाइन हार्ट पर आ जाती है जिस तरह मुसलमानों की तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक रोमानवी हीरो के तौर पर याद किए जाते हैं इसी तरह सलीबी और खास तौर पर अंग्रेज मोरख और तारीख दान रिचर्ड द लाइन हार्ट को अपना सबसे बड़ा हीरो तस्वर करते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी और रिचर्ड द लाइन हार्ट के इस आपस के तसादम को ईसाई और मुसलमान तारीखों में एक रोमानवी है अकरा की फता के कई साल बाद तक रिचर्ड द लाइन हार्ट सलीबी फौजों की क्यादत करता रहा और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौजों से इसकी कई झड़पें हुई तारीख में इन झड़पों के बहुत सारे वाकत भी बयान किए जाते हैं जिसमें कुछ अफसानवी है और कुछ हकी यह वाकया भी तारीख ने देखा कि एक जंग के दौरान रिचर्ड द लाइन हार्ट का घोड़ा मारा जाता है और वो पैदल हो जाता है सुल्तान सलाउद्दीन एयूबी की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि ये अपनी फौज की क्यादत घोड़े पर बैठ कर करें और इनका दुश्मन बादशाह जमीन पर पैदल आप जंग रुकवाते हैं अपने बेहतरीन घोड़े को बुलाते हैं और उसको रिचर्ड द लाइन हार्ट के पास रवाना किया जाता है और रिचर्ड से कहते हैं कि इस पर सवार होकर अपनी फौजों की क्यादत करो मैं अपने दुश्मन को ऐसे नहीं मारना चाहता कि मैं घोड़े पे हूं और वो पैदल हूं एक मौके पर रिचर्ड बीमार हो जाता है और उसके इलाज का कोई रास्ता नहीं मिलता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अपना तबीब खास भेजते हैं ईसाई लश्कर में जो जाके रजट का इलाज करता है और साथ उसको फलों और बर्फ का तोहफा भिजवाया जाता है ताकि वो जल्दी सेहतियाब हो और सुल्तान के मुकाबले पर आए इंसानी तारीख ने इतने आला किरदार का जनरल कभी नहीं देखा खुद ईसाई मोर्रख जैसे हमने अर्ज किया मजबूर हैं तमाम तरतासुब के बावजूद कि सुल्तान सलाहुद्दीन की शान में कसीदे लिखे कई साल ये जंगे चलती हैं लेकिन अल्लाह के फदल से ना ये सलीबी बैतुल मकदर शरीफ के करीब पहुंच सकते हैं ना रिचर्ड द लार्ट अपनी तमाम सलीबी फौजों के के साथ सुल्तान को किसी एक महाज पर शिकस्त देता है शिकस्तो में तंग आकर एक पीस डील साइन कर ली जाती है जिसके मुताबिक सलीबी फौजें वापस लौट जाएंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन को मौका मिलता है कि तवील अरसे के बाद दमिश्क जाके आराम कर सके रिचर्ड द लाइन हार्ट वापसी का सफर शुरू करता है लेकिन इसकी बदनसीबी यहां खत्म नहीं होती इसका बहरी जहाज गर्क हो जाता है और यह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ऑस्ट्रिया जा निकलता है ऑस्ट्रिया का बादशाह इसका मुखालिफ होता है है और इसको कैद कर लेता है। दो साल तक रिचर्ड द सलीबी मुहिम से वापस जाने के बाद ऑस्ट्रिया की जेल में बंद रहता है के पूरा इंग्लैंड टैक्स जमा करता है फिदिया जमा करता है और उसके बाद इसको रैनसम किया जाता है इससे पहले भी गैर मामूली बात हम आपको बताएं जब सलीबी जंग का आगाज किया जाता है तीसरी सलीबी जंग के वक्त पूरे यूरोप में एक टैक्स लगा दिया जाता है जिसको आज भी सलाहुद्दीन टैक्स कहा जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम पर यूरोपियन कौम और मालिक टैक्स जमा करते रहे कि फौजें इकट्ठी की जाएं इस सलाहुद्दीन शेर से लड़ने के लिए जो दहशत सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी दुनिया पर तारी की हुई थी ना इससे पहले ना उसके बाद किसी मुसलमान हुक्मरान और सुल्तान ने वो मकान नहीं हासिल किया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तीसरी सलीबी जंग को खत्म करने के बाद जब सलीबी नामुराद नाम लूट लौट जाते हैं तो ग्यारह सौ तिरानवे में दमिश्क में आपका इंतकाल हो जाता है आपके आपके इंतकाल के वक्त आपके पास सिर्फ चंद निकलते हैं और कफन के पैसे भी नहीं होते आपके दोस्त चंदा करके पैसे जमा करते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी फाते बैतुल सुल्तान मिस्र शाम के लिए कफन का इंतजाम किया जाता है सुल्तान का घोड़ा और झंडा बगदाद रवाना किया जाता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा में सफ मातम बुझ जाती है कहने वालों ने तो यह तक कह दिया कि राशिदीन के बाद इससे ज्यादा कड़ा वक्त उम्मत मुसलिमा पर कभी नहीं आया जब सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हुए इस सलीबी जंग के बाद सलीबियों ने पांच और सलीबी जंगे आने वाली दिहाइयों में रवाना की लेकिन तमाम की तमाम इस बुरी तरह शिकस्त दो चार हुई कि उनका जिक्र भी जरूरी नहीं है चौथी सलीबी जंग में तो हाल यह हुआ कि सलीबी कुतून ही में उलझ गए मुसलमानों के इलाके फता करने दुनिया को फता कर लिया उसके बाद बच्चों की भी एक सलीबी फौज निकली जो इन्होंने ये ख्याल किया कि उनके बड़े नाकाम हो रहे हैं, और बड़ी इखलाक की वजह से तो मासूमों की फौज जाएगी उनमें से कोई बच्चा यूरोप से भी पार नहीं कर सका और तमाम के तमाम वही तबाह कर दिए गए इन तमाम सूरत हाल के बाद तकरीबन कई सौ साल तक अलहमद लातुलसलमानों के पास रहा 1917 में एक आजमाइश की घड़ी आई कि जब बैतुल शरीफ खिलाफत बैतुलमकिया के जवाल के बाद अंग्रेजों के पास गया और इस मौके पर फ्रांसीसी फौज के जनरल दमिश जाके सुल्तान सलाहुद्दीन सुलद्दीन की कबर पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन हम आ गए हमें रोक के दिखाओ जो जिल्लत इनको सुल्तान के हाथों उठानी पड़ी थी इसकी ह्यूमिलिएशन और शर्म ये अभी तक अपने दिलों में महसूस करते हैं आज बैतुल बैतुलम शरीफ यहूदियों के पास है और अपने एक और सलाहुद्दीन का मुंतजर आपसे दरख्वास्त है कि इस सुल्तान के लिए रहमत और बरकतों की दुआ कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि उम्मत मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सानी को दोबारा भेजें